ये चले जाने से क्या होगा, आज से इस राज का राजा गुरु विश्वामित्र है। अगर आप लोग को कोई चीज की कमी होगी तो गुरुदेव के पास जाकर के कहिएगा। आज मैं गुरुदेव के इच्छा अनुसार अपने सत्य धर्म को बचाने के लिए काशी बनारस को जा रहे हैं। हम लोग से इस राज में आप लोगों के सेवा में कोई चीज की कमी हुई होगी तो आप लोग माफ कीजिएगा। ठीक है महाराज, प्रणाम रानी माँ। हे रानी माँ, आज अयोध्या छोड़ के आप जा रहे हैं तो हम लोग कैसे रहेंगे यहाँ? हे बहन, ऐसे क्यों बोलते हो? मैं तो जा रही हूँ बहन, लेकिन यदि कोई चीज का कमी होगा आप गुरु विश्वामित्र के पास जाइएगा, और कोई चीज का दिक्कत हो तो उन्हीं को पास जाइएगा। हे मिले हो चुली हो ले हो अच्छे के मुझे बहुत जोर से भूख लगाए माँ। क्या पुत्र, तुम्हें भूख लगाए पुत्र? हाँ माँ, परंतु पुत्र अभी तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है पुत्र। चलो प्रिय, संसार में विधाता को यही मंजूर था, न जाने जब तक इस शरीर में प्राण रहेगा प्रिय अपने सत के मार्ग को कभी नहीं भूलूंगा। सत के मार्ग पे चलना ही हमारा धर्म है और सत के मार्ग पर चलना ही हमारा कर्म है। हे गुरुदेव, मैं राज में प्रजाओं से मिल चुका हूं, अब आप आगे आगे चले और मुझे काशी बनारस तक
पहुंचाई घूरते। ठीक है, विलंब मत करो, चलने की तैयारी करो। माइक लगाने के लिए बोले हैं। आगे गुरुदेव, न जाने आज 15 दिन से आपके पीछे चलते चलते बिना अन्न पानी का मैं तो दूर, मेरे पुत्र भी आज चलते चलते भूख के मारे चल नहीं सकते हैं। गुरुदेव बताइए, ये इतनी बड़ी नदी दिखाई दे रहा है, हम लोग कहां आए? यही है काशी नगरी का नदी, काशी का गंगा नदी। तो क्या इस नदी को पार कर जाने से मैं काशी में पहुंच जाऊंगा? और गंगा पार करने से पहले राजन परेशान हो गए हैं, मेरा सेवा करो, और भूख लग गया है, हमें भोजन करो। गुरुदेव पिताश्री, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगाए पिताश्री, पिताश्री, लेकिन पिताश्री मुझे भूख की कारण मुझे चला नहीं जा रहे पिताश्री। पुत्र, हाँ
मैं तुम्हें भोजन जरूर कराऊंगा। हे गुरुदेव।